जॉर्डन के रेगिस्तान में एक राज दबा हुआ है। यह राज सदियों से रेत और समय के नीचे छिपा हुआ है, एक ऐसा रहस्य जो केवल कुछ ही जानते थे। ऊंची ऊंची बलुआ पत्थर की घाटियों में छिपा है पेट्रा, एक ऐसा शहर जो पत्थर से तराशा गया है। यह शहर अपने आप में एक अद्भुत कला का नमूना है जो हर कोने में इतिहास की कहानियां बुनता है। ये फुसफुसाहटों और परछाइयों की जगह है जहां इतिहास जिंदा हो जाता है। यहां की हर दीवार, हर पत्थर एक कहानी कहता है, एक समय की जब यह शहर अपने चरम पर था। सदियों तक पेट्रा दुनिया से खोया रहा, समय और रेत में दबा रहा। यह शहर एक समय में व्यापार और संस्कृति का केंद्र था, लेकिन फिर यह धीरे धीरे समय की धूल में खो गया। केवल बेडोइन खानाबदोश ही इसके राजा जानते थे। वे इस शहर की कहानियों को पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाते रहे, लेकिन बाहरी दुनिया के लिए यह एक रहस्य ही बना रहा। फिर 1812 में जोहान बुर्कहार्ट नाम के एक स्विस एक्सप्लोरर ने रेगिस्तान में जाने की हिम्मत की। उसने सुनी सुनाई कहानियों और अफवाहों का पीछा किया और एक अद्वितीय खोज की यात्रा पर निकल पड़ा। अफवाहों और कहानियों का पीछा करते हुए उसने खुद को छुपा लिया और एक बेडोइन कारवां में घुस गया। यह यात्रा आसान नहीं थी, लेकिन बुर्कहार्ट का दृढ़ संकल्प उसे आगे बढ़ाता रहा। वह हफ्तों तक सफर करता रहा। उसका दिल उम्मीद से धड़क रहा था। हर कदम के साथ वह पेट्रा के रहस्य के और करीब आता गया। उसकी उत्सुकता और बढ़ती गई। अंत में वह पेट्रा के सामने खड़ा था, एक ऐसा शहर जो उसकी कल्पना से कहीं अधिक शानदार था। उसकी आंखों के सामने एक अद्भुत दृश्य था जो उसकी सारी मेहनत का फल था। उसके सामने जो नजारा था वो ब्रेथ टेकिंग था। यह दृश्य उसकी सारी थकान को मिटा देने वाला था, एक ऐसा दृश्य जो जीवन भर के लिए उसकी यादों में बस गया। टावर्स, मकबरे और मंदिर, सभी चमकीले गुलाबी रंग के पत्थर से तराशे हुए रेगिस्तान के फर्श से उठते हुए प्रतीत हो रहे थे। यह दृश्य किसी सपने जैसा था जो अब हकीकत बन चुका था। यह कोई साधारण शहर नहीं था, यह एक खोई हुई सभ्यता की इंजेन्यूटी और कलात्मकता का प्रमाण था। हर कोने में, हर पत्थर में इस शहर की महानता झलकती थी। बुर्कहार्ट की खोज ने दुनिया में हलचल मचा दी। लोगों में क्यूरियोसिटी और आश्चर्य भर गया। पेट्रा की खोज ने इतिहास के पन्नों में एक नया अध्याय जोड़ दिया। पेट्रा का खोया हुआ शहर फिर से जीवित हो गया। आज यह शहर दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है और इसकी कहानियां अब हर किसी के लिए खुली किताब बन चुकी हैं। कल्पना कीजिए, आप एक संकरी घाटी सिक से गुजर रहे हैं। इसकी दीवारें सैकड़ों फीट ऊपर हैं। यह रास्ता आपको एक प्राचीन रहस्य की ओर ले जा रहा है जो सदियों से छिपा हुआ है। सूरज की रोशनी दरार में घुसने के लिए संघर्ष करती है, टिमटिमाती परछाई डालती है। यह दृश्य आपको एक रहस्यमय दुनिया में प्रवेश करने का एहसास दिलाता है। फिर घाटी की दीवारें नाटकीय रूप से खुलती हैं और पेट्रा के सबसे आइकॉनिक स्मारक का खुलासा करती हैं, खजाना। यह दृश्य इतना अद्भुत है कि यह आपको स्तब्ध कर देता है। सीधे चट्टान के चेहरे पर तराशा गया खजाने का मुखौटा क्लासिकल वास्तुकला की एक मास्टरपीस है जो जटिल नक्काशी और विशाल स्तंभों से सजा है। इसकी हर एक नक्काशी एक कहानी बयां करती है। इसका उद्देश्य एक रहस्य बना हुआ है जो पेट्रा के आकर्षण को और बढ़ाता है। यह रहस्य और भी गहरा हो जाता है जब आप इसके इतिहास के बारे में सोचते हैं, लेकिन खजाना तो बस शुरुआत है। पेट्रा के हर कोने में एक नई कहानी छिपी हुई है। जैसे जैसे आप पेट्रा में और आगे बढ़ेंगे, आपको अजूबों के एक शहर का पता चलेगा। यह शहर अपने आप में एक जीवित संग्रहालय है। चट्टानों के ऊपर तराशे गए शाही मकबरे वास्तुकला की अलग अलग स्टाइल्स का मेल दिखाते हैं जो पेट्रा के विविध सांस्कृतिक प्रभावों को दर्शाते हैं। हर मकबरा एक अलग युग और संस्कृति की झलक देता है। पहाड़ी पर तराशे गए 800 सीढ़ियां चढ़कर पहुंचा जा सकता है मॉनेस्ट्री।
जहां उसे आसपास के दृश्यों ब्रेथटेकिंग नजारे दिखाई देते हैं। यह चढ़ाई जितनी कठिन है उतनी ही पुरस्कृत भी। आप जहां भी देखेंगे नाबटेंस की पत्थर पर महारत साफ दिखाई देती है। उनकी कला और शिल्प कौशल हर कोने में बिखरा हुआ है। उन्होंने बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए नहरें बनाई जो उनकी इंजीनियरिंग की कुशलता को दर्शाती हैं। पानी का सोफिस्टिकेटेड मैनेजमेंट सिस्टम बनाया जो आज भी एक चमत्कार माना जाता है। और यहां तक कि एक ऐसा थिएटर भी बनाया जिसमें हजारों लोग बैठ सकते थे। यह थिएटर उनके सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का केंद्र था। पेट्रा इंसानी इंजेन्यूटी का प्रमाण है। एक ऐसा शहर जो कठोर रेगिस्तानी वातावरण को चुनौती देता है। यह शहर न केवल अपने समय का बल्कि आज भी एक प्रेरणा स्रोत है। इस असाधारण शहर को बनाने वाले लोग कौन थे? वे नबाटियन थे, एक खानाबदोश अरब जनजाति जिन्होंने सदियों से खुद को मास्टर बिल्डर्स और चालाक व्यापारियों में बदल लिया था। वे 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास अरब रेगिस्तान से निकले और उन्होंने अपना राज्य वहां स्थापित किया जहां आज जॉर्डन है। नबाटियन लोग बहुत ही रेजिलिएंट और रिसोर्सफुल लोग थे। वे धरती के सबसे कठोर वातावरण में से एक में जीवित रहे और फले फूले। रेगिस्तान से लड़ने के बजाय उन्होंने खुद को इसके अनुकूल ढाल लिया। पानी के संरक्षण और रेगिस्तानी नेविगेशन में माहिर बन गए। वे पानी के महत्व को समझते थे और उनकी इंजीनियस हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग ने उन्हें ऐसी जगह पर फलने फूलने दिया जहां दूसरों को जीवित रहने के लिए संघर्ष करना पड़ता था। उनकी संस्कृति अरब, ग्रीक, रोमन और मिस्र के प्रभावों का एक जीवंत मिश्रण थी जो प्राचीन व्यापार मार्गों के चौराहे पर उनकी स्थिति को दर्शाती है। वे रेगिस्तान के अपने ज्ञान, व्यापारियों के रूप में अपने कौशल और अपनी जबरदस्त स्वतंत्रता के लिए प्रसिद्ध थे। पेट्रा सिर्फ एक शहर से कहीं ज्यादा था। यह प्राचीन सिल्क रोड पर एक महत्वपूर्ण केंद्र था। पूर्व से रेशम, मसाले, धूप और अन्य कीमती सामानों से लदे कारवां पेट्रा से होकर गुजरते थे जो रोम, ग्रीस और मिस्र के बाजारों के लिए जाते थे। रेगिस्तान की गहरी समझ रखने वाले नाबादियन इन व्यापार मार्गों को नियंत्रित करते थे। उन्होंने कारवां के लिए सुरक्षित मार्ग प्रदान किए, सामानों पर कर लगाया और अपने शहर से होकर बहने वाले व्यापार से अमीर हो गए। सभ्यताओं के इस चौराहे पर रणनीतिक स्थान ने पेट्रा में अत्यधिक धन लाया जिससे इसके शासक भव्य स्मारकों का निर्माण करा सके और एक शानदार जीवन शैली का आनंद ले सके। इस समृद्धि का प्रमाण पेट्रा के पत्थरों पर ही अंकित है। मकबरों की भव्यता, मंदिरों की भव्यता और उनके जल प्रबंधन तंत्र का परिष्कार, ये सब अपनी शक्ति और प्रभाव के चरम पर एक शहर की ओर इशारा करते हैं। फिर जैसे रहस्यमय तरीके से ये उठा था, वैसे ही पेट्रा का पतन हो गया। यह शहर जो कभी व्यापार और संस्कृति का केंद्र था, अब केवल खंडहरों में तब्दील हो चुका है। कभी चहल पहल वाला यह शहर धीरे धीरे ढलान की ओर जा रहा था। इसकी गलियों में अब सन्नाटा पसरा हुआ है। इसकी शानदार संरचनाओं को धीरे धीरे रेगिस्तान अपने कब्जे में ले रहा था। समय के साथ रेत ने इन इमारतों को अपनी चादर में लपेट लिया। इस शक्तिशाली सभ्यता का क्या हुआ? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है। कई सिद्धांत पेट्रा के पतन को समझाने का प्रयास करते हैं। इतिहासकार और पुरातत्वविद इस रहस्य को सुलझाने में लगे हुए हैं। एक का सुझाव है कि समुद्री व्यापार के उदय के साथ व्यापार मार्गों में बदलाव ने एक व्यापारिक केंद्र के रूप में पेट्रा के महत्व को कम कर दिया। व्यापार के नए मार्गों ने पेट्रा को अप्रासंगिक बना दिया। और इशारा करता है 363 ईस्वी में आए एक विनाशकारी भूकंप की तरफ जिसने शहर के बुनियादी ढांचे को गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया था। यह भूकंप इतना शक्तिशाली था कि शहर कभी उबर नहीं पाया। जिसने शहर के बुनियादी ढांचे को गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया था। इसके बाद पेट्रा का पुनर्निर्माण संभव नहीं हो सका। 106 ईस्वी में
रोमन एनेक्सेशन में परिणत होने वाले नाबाटियन साम्राज्य का पतन ने भी एक भूमिका निभाई होगी। रोमन साम्राज्य के अधीन पेट्रा का महत्व धीरे धीरे कम हो गया। अंततः पेट्रा के पतन के सही कारण रहस्य में डूबे हुए हैं। यह शहर अपने रहस्यों को अपने साथ ले गया। रेगिस्तानी हवाएं एक शानदार अतीत की कहानियां फुसफुसाती हैं, जैसे वे हमें उस समय की याद दिला रही हों जब पेट्रा अपने चरम पर था। लेकिन शहर खुद चुप्पी साधे हुए है, जैसे वह अपने अतीत के रहस्यों को छुपा रहा हो, जो हमें एक खोई हुई सभ्यता के टुकड़ों को जोड़ने के लिए छोड़ देता है। यह एक पहेली है जिसे हम आज भी सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। सदियों तक पेट्रा रेगिस्तानी रेत के नीचे सोता रहा, जिसे केवल स्थानीय बेडुइन जनजातियों के लिए जाना जाता था। 19वीं शताब्दी में इसकी पुनः खोज ने एक्सप्लोरर्स, आर्कियोलॉजिस्ट्स और इतिहासकारों के बीच उत्साह की लहर दौड़ा दी। शुरुआती एक्सप्लोरर्स ने पेट्रा के स्थापत्य चमत्कारों पर अचंभा जताया, अपने निष्कर्षों को पत्रिकाओं और रेखा चित्रों में दर्ज किया। पुरातत्वविदों ने साइट की खुदाई का श्रम साध्य कार्य शुरू किया, छिपी हुई संरचनाओं और कलाकृतियों का पता लगाया जो नाबाटियन लोगों के जीवन पर प्रकाश डालती हैं। पुरातत्व विज्ञान में पेट्रा की पुनः खोज एक महत्वपूर्ण क्षण था। इसने एक खोई हुई सभ्यता का खुलासा किया जो वास्तव में पश्चिमी दुनिया के लिए अज्ञात थी, जो प्राचीन इतिहास की विशालता और विविधता को प्रदर्शित करती है।